नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। मनीषा रानी की अगर बात करें दोस्तों, तो जहां पे प्रोफेशनल सक्सेस मनीषा के कदम चूम रही है, वहीं धीरे धीरे करके मनीषा के दुश्मन मनीषा को छोड़ते हुए, दोस्तों जी हाँ आपको बता दूं, मनीषा को उसके दुश्मन छोड़ रहे हैं और आपस में ही भिड़ रहे हैं। क्या हो गई ये बात, तो चलिए बताता हूँ इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यारो। दूसरा चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, कमेंट सेक्शन में लिंक भी पेस्ट कर दिया है, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जैसा कि हम सबको पता है कि मनीषा रानी जो है, जो कि प्रोफेशनली काफी आगे बढ़ रही है, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आई थी, बहुत अच्छा फेम पाया था। उसके बाद कई ऐसी म्यूजिक वीडियोज में आई वो दोस्तों, और उसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनीषा रानी जो है झलक दिखला जा जीत गई। वाइल्ड कार्ड बनकर आती हैं और झलक दिखला जा जीत के चली जाती है। भैया इससे बड़ी और अच्छी बात है और क्या हो सकती है। अब मनीषा रानी के दुश्मन जो है कि करके टूट रहे हैं। जहां पर एल्विश की बात की जाए, तो मनीषा ने तो एल्विश की एक बात पोल खोल दी कि भाई एल्विश जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी जानबूझ के करता है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दूं तो बेबिका, जी हाँ बेबिका ध्रुवे और ध्रुवे और पूजा भट्ट दोनों ही आपस में अब ऐसा लग रहा है कि लड़ पड़ी हैं। जी हाँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चेक करेंगे तो दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वैसे ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करती थी और हम सबको पता है कि बिग बॉस के घर में मनीषा को कहते थे ये ओवर एक्टिंग करती है, लड़कों से चिपकती है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ अभिषेक मल्हान के साथ है, ये वो फलान ढिमकर, न जाने क्या क्या नहीं बोला था, अगर आपको याद होगा तो ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों, तो मनीषा रानी कि दोनों ही दुश्मन, पूजा भट्ट ने तो ये तक बोल दिया था कि मनीषा बिग बॉस तक तो ठीक है लेकिन उसके आगे ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो आज पूजा भट्ट कहाँ है और मनीषा भट्ट क्या कर रही है, हम सबको पता है। मनीषा रानी क्या कर रही है, सॉरी मनीषा भट्ट नहीं, मनीषा रानी क्या कर रही है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो बेबिका की, तो बेबिका बस एक सॉन्ग आया था बोटी 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 उसका, उसके बाद तो उसकी बोटी ऐसे आउट हुई कि वो दिखी नहीं रही है मार्केट में, बस कभी कभार पेपराजी को दिख जाती है। क्या कहना है आपको, कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना। बाय बाय।